टीम इंडिया के साथ सरेआम हुई बेईमानी, अंपायर ने आउट हुए डेविड मिलर को बचाया और फिर डीआरएस भी नहीं लेने दिया, विकेट कीपर और गेंदबाज हाथ मलते रह गए। दरअसल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की गेंद पर डेविड मिलर 2 छक्का लगा चुके थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जडेजा की बॉल डेविड मिलर के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। तब भारतीय टीम ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर बोंगानी जेले ने आउट नहीं दिया। हालांकि उस टाइम टीम इंडिया के पास दोनों डीआरएस मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी चोटिल सूर्य कुमार यादव की जगह कप्तानी कर रहे रविंद्र जडेजा को अंपायर ने डीआरएस देने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त टेक्निकल इश्यू के कारण डीआरएस काम नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में जब रिप्ले आया तो उसमें साफ दिखा कि गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथ में गई है। हालांकि इसके बावजूद भी पूरी साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 95 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई और भारत 106 रनों से मैच जीत गया।